शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं पर अब विजिलेंस कार्रवाई करने लगी विद्युत कंपनी। शहर निवासी उपभोक्ता ने की थी शिकायत, बिल संशोधन नहीं हुए, उल्टे विजिलेंस विभाग मीटर उखाड़ ले गए और बना दिए प्रकरण। उपभोक्ता ने कलेक्ट्रेट में लगाई गुहार, लॉकडाउन के बाद से आम लोगों को बिजलों के बिलों से खूब लगे झटके। विद्युत कंपनी औपचारिक रूप से बढ़े बिलों में संशोधन के नाम पर खानापूर्ति कर रही। अब शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं पर सीधे तौर पर विजिलेंस विभाग के माध्यम से दबाव बनाया जाने लगा है। ऐसा ही मामला शहर में आया। जुलाई माह में अधिक राशि के बिलों की शिकायत उपभोक्ताओं ने की थी। शहर निवासी शाहिद खान ने बताया, 3 जगह मीटरों का जुलाई माह में अधिक बिल आया। विद्युत कंपनी के स्थानीय कार्यालय में शिकायत की थी, कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में ट्विटर के माध्यम से विवेक इंदौर को शिकायत दर्ज कर बिल की रीडिंग को 90 दिन में विभाजित करने के लिए शिकायत की गई। अप्रैल मई माह में रीडिंग नहीं हो पाई, इस कारण जून में एवरेज बिल रीडिंग से अधिक हो गई। 4 जुलाई को ट्विटर पर तसव्वर मिर्जा, रजिया बाई और अल्ताफ शेख के नाम से शिकायत की गई। जून माह के एवरेज बिल में अधिक रीडिंग होने से उपभोक्ता की सब्सिडी नहीं मिल पाई। शिकायत के बाद बताया गया कि आपके तीनों बिल सुधार कर दिए गए हैं, जबकि बिल सुधार बड़वानी जोन से उपभोक्ता द्वारा 12 जुलाई और 13 जुलाई को हुए। इस बीच विजिलेंस ने तीनों जगहों पर अनैतिक रूप से मीटर उखाड़ कर ले गए और चलानी कार्रवाई कर दी, जो अफसोसजनक है। अधिकारी ने इसका कारण मीटर संदेहास्पद बताया, लेकिन मीटर को सीलबंद किए बगैर सीधे उखाड़ कर खुला ले गए, जो नियम विरुद्ध है। इसकी पूरी वीडियोग्राफी भी की गई। शाहिद खान सर, शाहिद जी, क्या दिक्कतें आ रही है, बार बार एमपीपी के चक्कर काट रहे हो? सर, दिक्कतें ये है कि अगर कोई बिल सुधार या किसी काम के लिए एमपीपी जाया जाए तो वहाँ सुधार तो कम होता, ऊपर कार्रवाई हो जाती है हमारे ऊपर, मतलब अनैतिक कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की जाती है कि उपभोक्ता पर दबाव बनाया जाए। तो अभी क्या हुआ कि जुलाई में जो बिल आए थे उसको लेकर कुछ समस्याएँ थी कि बिल गलत दिए गए हैं, उसके सुधार के लिए हमने आवेदन दिए, तो यहाँ से सुधार नहीं हुआ तो हमने सोशल नेटवर्क पर उसका उपयोग किया, उसके बाद बिलों को सुधार किया गया, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर प्रकरण बना दिए गए हैं विजिलेंस द्वारा। तीनों मीटर हमारे तीन प्रकरण थे, तीनों मीटर उखाड़ लिए गए हैं और वहाँ पर संदेहास्पद स्थिति बताया गया मीटरों को, और मीटरों को खुली स्थिति में ले जाया गया है, जो कि अनैतिक कार्रवाई है इनकी। और हमें जो वहाँ पर बताया गया कि मीटर इसलिए बदले जा रहे हैं कि मीटर आपकी रीडिंग तेज़ चल रही है, ज़्यादा तेज़ चल रहा है, आपकी रीडिंग समस्या है, जबकि विजिलेंस विभाग का ये काम ही नहीं है। विजिलेंस विभाग का काम है, कुछ अलग ही डिपार्टमेंट है वो, उनका इधर से कुछ लेना देना नहीं है। कहीं ना कहीं हम पे जवाबी कार्रवाई की गई है, और जिसके सारे बहुत सारे हमारे पास प्रूफ वगैरह मौजूद हैं, मीटर को खुले ले जाने के वीडियो हैं, और अभी भी दौड़ लगवा रहे हैं वो, उनसे स्पष्टीकरण मांगा है तो अभी तक स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। बिल कितना आया था और क्या? बिल करीब 1800-1800 2000 रुपये के करीब थे तीन बिल, और मांग ये थी कि इसको 90 दिन में विभाजित करके उपभोक्ता को सब्सिडी प्रदान की जाए, क्योंकि 3 माह तक रीडिंग नहीं हो पाई थी लॉकडाउन में। बस छोटा सा एक समस्या थी, उसको लेकर इन्होंने हम पे दबावी कार्रवाई की है। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।